पिछले कुछ दिनों में मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ चुके हैं कि भाई 15,000 के बजट में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन बता दो, अच्छा तो या फिर 12,000 के बजट में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन बता दो। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए जिससे लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, जिससे वो अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन 15,000 के बजट में बाय कर सके। बात तो सही है। तो फिर स्टार्ट करें। तो जो लोग सैमसंग की ब्रांड वैल्यू की तरफ जाना चाहेंगे उनके लिए मैं बिना हेजिटेशन के ये स्मार्टफोन सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसमें काफी तगड़े तगड़े फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें स्पेक्स की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो इसमें तुम्हें एक्सिनोस का 1330 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है एंड ये प्राइस सेगमेंट में ये वाला प्रोसेसर आपके लिए इनफ रहेगा, यानी कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग वगैरह आप इजीली इसमें कर पाएंगे, आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें तो मैं बैक साइड प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, तो अच्छी खासी फोटोज भी निकल आएंगे इससे। वाओ, फ्रंट सेल्फी कैमरा तो यहाँ पे भी तुम्हें 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो सेल्फी के लिए भी ये इनफ रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में। एंड इस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन काफी अच्छी बैटरी देता है तुम्हें, जो कि है 6000 mAh की, एंड साथ ही 25 वाट के फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, अलग से बाय करना पड़ेगा। तो हाँ, एप्पल की कॉपी कर रहा है सैमसंग भी, अलग से चार्जर देने लगा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 4GB रैम एंड 128GB वाला वेरियंट आपको 14,999 रुपये, यानी कि सीधा सीधा बोले 15,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें तुम्हें One UI 5.1 देखने को मिल जाएगा, जो कि Android 13 पे बेस्ड है, एंड साथ ही इसमें तुम्हें 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है मोटोरोला की तरफ से मोटो G62 5G। जी हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छी स्पेक्स के साथ में आता है। तो इसमें तुम्हें 6.58 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल HD डिस्प्ले है, साथ ही 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है बट काफी एफिशिएंट है। एंड रिसेंटली लॉन्च हुआ OnePlus का Nord 3 CE Lite, इसमें भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। तो कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का तो प्राइमरी देखने को मिल जाएगा, साथ ही अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, एंड 2 का मैक्रो भी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये आपके काम आ सकता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें 5000 mAh की बैटरी एंड 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज जिसके लिए मोटोरोला मशहूर है वो है नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। तो इसमें तुम्हें कोई भी बग्स, कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, काफी क्लीन UI है इसका, एंड साथ ही इसमें बिल्ड क्वालिटी वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें तो मैं एक्रिलिक ग्लास का बैक पैनल देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है ये भी। प्राइसिंग की बात करें तो इसका 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 16,000 के आसपास है, तो अगर आप इसको बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के बाय करेंगे तो ये तुम्हें 15,000 के बजट में मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi 11 Prime 5G। एंड ये जो स्मार्टफोन है ये एक एवरेज स्मार्टफोन है, जिसमें तुम्हें 6.58 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। तो प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एंड इसमें तुम्हें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो मैं 5000 mAh की बैटरी एंड फास्ट चार्जर 18 वाट का देखने को मिल जाएगा इनबॉक्स। साथ ही फिंगरप्रिंट जो है वो साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा। 464 वाला वेरिएंट आपको 13,499 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी सेम प्राइस सेगमेंट में एक इंडियन स्मार्टफोन भी है, जो कि है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। तो अगर कोई इंडियन स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो बात करते हैं अब इसके स्पेक्स की, तो इसमें तुम्हें देखने को मिलता है 6.6 इंच की फुल HD+ LCD डिस्प्ले, एंड ये डिस्प्ले 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर। तो Redmi 11 Prime के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर है एंड एफिशिएंट भी है, मल्टीटास्किंग वगैरह इजी सी हो जाएगी, एंड अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें कर सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यहां पे देखने को मिल जाएगा एंड 8 मेगापिक्सल का यहां पे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड कंपेयर करते हैं अगर Redmi 11 Prime से तो इसका कैमरा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो इसमें तुम्हें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W के फास्ट चार्जर के साथ में आती है। एंड इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, साथ ही 6 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 13,499 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो वहीं बात करें Redmi 11 Prime की, तो वहां पे तो मैं 4GB 64GB वाला वेरिएंट इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली इन दोनों में से आपको इन्फिनिक्स के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट स्मार्टफोन की, जो कि है IQ की तरफ से IQ G6 5G। स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें तो मैं 6.58 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। बात करें इसके प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इसके अंतुतु स्कोर की बात करें तो लगभग 4,10,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आता है। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा इसमें तो मैं 50+2+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है एंड साथ ही यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का
सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बात करें इसके बैटरी एंड चार्जिंग की तो 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। साथ ही 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में ही आता है, जिसकी प्राइस है नियरली 14,999 रुपए। मजा आया। तो गाइज ये थे 5 स्मार्टफोन 15,000 के बजट में। तो गाइज उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो एक लाइक तो बनता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं इनमें से कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियोस आगे भी आपके लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।